कल तक हमने डिस्कस किया था कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, और आज मैं उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कुछ जनरल स्टेटमेंट जो शीट में नंबर वन क्वेश्चन में दिए हुए थे कि रेजोनेंस इज अ इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सेंटेंस, रेजोनेंस इज ए इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेजोनेंस एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। रेजोनेंस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एटम का मूवमेंट हो रहा, उससे भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, वो भी विद इन दी मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब यदि आप ये स्टेटमेंट देखते हो कि रेजोनेंस इज अ इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। लिख लें आप लोग, रेजोनेंस इज अ इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस, रेजोनेंस इज अ इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मूव सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मूव नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखे While drawing the resonating structures, never break a sigma bond. While drawing the resonating structures, never break the sigma bond. Sigma bond को कभी break नहीं करना। जब भी आप resonating structure बनाएंगे, sigma bond को कभी भी break नहीं करना। Never break a sigma bond. Next statement लिखना। In resonance, potential energy of a molecule decreases. In resonance, potential energy of a molecule decreases. किसी molecule की potential energy जो है वो decrease हो जाती है in resonance. Next statement लिखे. Resonating structure or canonical structures or Lewis structures. Resonating structures or canonical structures or Lewis structures are hypothetical structures that is they are not real. Next statement likhe hybrid structures are real or hybrid structure is real. its energy is minimum. it is most stable. समझा वो? मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया, रेजोनेंस इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। मैंने आपको बोला कि यदि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो वो सिर्फ विद इन द मॉलिक्यूल मूव होते हैं, ना तो प्रोटॉन मूव होगा, ना यहां से कोई चीज निकल के जा रही है, ना इसमें आके कोई चीज ऐड हो रही है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है। नाउ एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है कि इन रेजोनेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। आप देखें, ये जब बॉन्ड यहां से मूव करेगा तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है इनको हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर अनरियल होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स अनरियल होते हैं, क्योंकि रियल सेंस में इनका स्ट्रक्चर जो है वो ये दोनों ही नहीं है। इसका रियल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होगा।
समथिंग लाइक दिस, पार्शियल बॉन्ड बनाया हुआ है। मैं आपको इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताऊं तो आप यदि ध्यान दे तो यहां पे एक बॉन्ड तो हरदम बना हुआ है, यदि कार्बन 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 लोकेट कर दो आप तो एक बॉन्ड तो इनके बीच सदैव बना हुआ है, हरदम बना हुआ है, पर डबल बॉन्ड मूव कर रहा है। और यदि आप तीन पोजिशन लोकेट करो तो एक ये सीसी बॉन्ड, एक ये सीसी बॉन्ड और एक ये सीसी बॉन्ड, तो तीन सीसी बॉन्ड है यहां पे और डबल बॉन्ड दो हैं और जो तीन पोजीशंस पे मूव हो रहे हैं, एक ये पोजीशन हो गई, एक ये पोजीशन हो गई और एक ये पोजीशन हो गई। तो डबल बॉन्ड तीन पोजीशंस पे यदि मूव हो रहा है तो इसका मतलब एक के हिस्से में यदि दो डबल बॉन्ड तीन पोजीशन पे मूव हो रहे हैं तो एक के हिस्से में कितना आया, 2/3। और एक सिग्मा बॉन्ड तो हरदम बना हुआ है, वो तो कभी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड रेडियस कितना हो जाएगा, 1 + 2/3, दैट इज इक्वल टू 1.667। ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं 0.667 बॉन्ड तो नहीं बना सकता हूं बोर्ड पर, तो मैंने उसको डॉट 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 से बना दिया है, बट रियलिटी में बोर्ड पर उसका रियल स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा। तो रियल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बोर्ड पर बना सकते हैं, बट जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसको बोर्ड पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। मैंने तो यहां पर सिर्फ डॉट 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 मार्क कर दिया। अब ये पार्शियल बॉन्ड जैसी कोई चीज जो है होना, इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर हैं और नहीं है, इसका होना बहुत मुश्किल बात है। मतलब कि हम उसको कैसे सपोज करें कि यहां पर बॉन्ड बना भी रहे और नहीं भी बना रहे, मतलब यहां पर पार्शियल बॉन्ड बना रहे, तो उस रियल स्ट्रक्चर को बनाना एक्चुअली बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, पर वही है रियल स्ट्रक्चर। अब जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की रिएक्टिविटी यदि आप इनकी तुलना में बात करें तो यहां पे चार्ज डेंसिटी यहां कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां में यहां कॉन्सेंट्रेटेड है और इस स्ट्रक्चर में चार्ज डेंसिटी इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल। क्यों भी? क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो वो पर्टिकुलर एरिया जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड है वो पर्टिकुलर एरिया इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर खींचेगा, जबकि इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे एरिया पे बराबरी से डिस्पर्स हो गई है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पर स्लो हो जाएगा। देयरफॉर यदि मैं बात करूं तो दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर मोस्ट स्टेबल। मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वो होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अब ऑब्वियसली यदि आप देखें तो इसकी एनर्जी, यदि आप देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी कम है मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी भी स्टेबिलिटी कम है तो इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, बल्कि इसकी स्टेबिलिटी इससे भी कम है, कारण इसका ये इसमें बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा है, इसमें बॉन्ड्स कम है, तो मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कैनोनिकल या रेजोनेटिंग या फिर लुईस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। इनकी एनर्जी जनरली थोड़ी बड़ी हुई है, इनकी स्टेबिलिटी कम है, जबकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है। देयरफॉर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर नॉट दैट मच स्टेबल व्हेन कंपेयर टू हाइब्रिड स्ट्रक्चर। डेफिनेटली बेटा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी अलग अलग होगी, आप इस एग्जांपल में भी देख रहे हो तो यहां पे आपको दिख रहा होगा दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो अब यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप ट्रू और फॉल्स मार्क कर सकते हो बहुत आराम से, जो दिया हुआ है वहां पर आप उसको मार्क करें ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 1 में। कोई बच्चा जो डीपीएस 1 का पहले क्वेश्चन का जवाब देना चाहे, यहां पे ए से लेके एम तक ऑप्शंस है, तो आप लाइन से चाहे तो बता दें। रेजोनेंस इज अ इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस, क्या लगता है आपको? इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, रेजोनेंस इज अ इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस, ये बात हमने अभी अभी एक्सप्लेन की है, सो इट इज ट्रू। रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डी लोकलाइजेशन ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फॉल्स बिकॉज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। वेरी करेक्ट। नेक्स्ट, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यस, इट इज ट्रू बिकॉज रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है। कुछ बच्चों ने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मुझसे ये सवाल जरूर पूछा है कि सर लोन पेयर का मूवमेंट होता है, तो लोन पेयर भी बाद में जाके पाई बॉन्ड ही बना रहा है, देयरफॉर यू विल कंसीडर दैट एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर रेजोनेंटिक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर, हकल्स रूल के अंदर आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब गिनी थी तो उसके अंदर आप लोन पेयर को गिनते थे, क्योंकि लोन पेयर आगे जाके पाई बॉन्ड बनाता था।
Therefore, the statement remains true. D. Resonance decreases the potential energy of the molecule. It is true. We have already explained that resonance has no effect on potential energy of the molecule. It is untrue. And then resonance is only way to increase molecular stability. Is it true or false? False. Okay. Why it is false? Yeah, that is correct. Matlab, we have already read hyperconjugation and inductive effect, or hyperconjugation or inductive effect bhi stabilization karte. Therefore, this statement is perfectly wrong. Next statement. Resonance is not the only way to increase molecular stability. Obviously, it is true. Next. Yeah. Any resonating molecule is always more stable than non-resonating molecule. Ye bol, it is false. Because, ye baat bilkul sahi nahi hai, ki har resonating molecule jo hai, वो एक नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा. मैं इसका एक एग्जांपल आपको कोट करता हूं. फॉर एग्जांपल टेक दिस वन. दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हैविंग 9 अल्फा हाइड्रोजन्स. टोटल स्ट्रक्चर विल बी 10. यू हैव ऑलरेडी रेड दिस स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन एंड नाउ दिस इन्वॉल्व्स रेजोनेंस. देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स एंड देयर आर 10 स्ट्रक्चर्स, हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स. ऑब्वियसली the hyperconjugative structures will be more stable when compared to the resonating structures. ये एक example है जो कि एक fact है. Obviously आप ये नहीं बोल सकते कि आप दोनों में resonating structures की संख्या बना लो और hyperconjugative structures की संख्या बना लो जिसमें ज्यादा हुई और आप ये बोल दो कि ये वाला जो है ज्यादा stable है, ये वाला कम stable. नहीं, क्योंकि hyperconjugating हर structure उतना ज्यादा stable नहीं होता है जितना resonating structure stable होता है. But overall यदि देखें तो यहां पे 9 हाइपरकॉन्जुगेट है, यहां पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन. तो आपके पास ऑप्शन था एनी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल. यदि आप देखें तो यहां पे रेजोनेंस नहीं है, यहां पे हाइपरकॉन्जुगेशन है और यहां पे रेजोनेंस है. बट दिस स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू दिस स्ट्रक्चर. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट स्टेटमेंट. The canonical structures explains all features of the molecule. It is false because real structure जो वो क्या है? Real structure है hybrid structure, और hybrid structure ही अपने सारे features को explain कर सकता है, ना कि canonical structure. Next, resonance hybrid explains all features of a molecule. It is true because resonance hybrid ही real structure होता है और real structure ही अपने सारे features को explain कर सकता है. Resonating structure are real and resonance hybrid is imaginary. This is again false because resonating structure are unreal. They are hypothetical, whereas hybrid structure is real structure. Resonance hybrid is real. Next is very correct. And resonating structure are imaginary. The last is the resonance hybrid is always more stable than all canonical structures. Yes, this is perfectly true because resonance hybrid ki energy sabse kam hoti hai. वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. आई होप आपको ये 10-12 क्वेश्चन जो दिए हैं ट्रू फॉल्स के वो सभी समझ में आ गए होंगे. अब देखिए बेटा, मैं आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया अभी मैंने आपको, और कुछ कुछ मैंने आपको बताया कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में. इसी के साथ मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ, रेजोनेंस एनर्जी. इसके सवाल थोड़ी देर में करवाऊंगा. जैसे मैंने आपसे बोला था रेजोनेंस जो है 6-7 पार्ट में बटा हुआ है. मैं अब तक आपको एक चीज समझा चुका हूँ रेजोनेंस के बारे में. वो ये है कि कौन से स्ट्रक्चर कब रेजोनेंस मिलता है, उसमें मैंने आपको 6 पॉइंट सिखाए. उसके बाद में मैंने आज आपको थोड़ा सा पॉइंट्स बताए रेजोनेंस के जनरल फीचर्स कुछ बताए. अभी मैं आपको रेजोनेंस एनर्जी के बारे में 3-4 डेफिनेशंस बताता हूं. उसके बाद इसके क्वेश्चन में थोड़ी देर में सॉल्व करवाऊंगा. जब मैं आपको ये बता चुका हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज को आप कैसे कंपेयर करते हैं, आई थिंक लेक्चर के एंड तक हम वहां पहुंच सकते हैं. नाउ रेजोनेंस एनर्जी पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है. बहुत ही क्लियरली आप इस बात को समझें कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है. पहले तो मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ रेजोनेंस एनर्जी की, जो कि बहुत प्रॉपरली रेजोनेंस एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं करती है, पर चूंकि डेफिनेशन है इसलिए निश्चित रूप से हमको समझनी चाहिए. तो आप लिख लीजिए, रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस एनर्जी इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर. मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब कहने का है एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर. एक्चुअली इसको मेरे को उल्टा लिखना चाहिए, एनर्जी ऑफ
मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस एनर्जी। ये एक डेफिनेशन हो गई। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी, और एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, आप इसको याद रखें। पर जो डेफिनेशन रियल सेंस में रेजोनेंस एनर्जी को डिस्क्राइब करती है वो मैं आपको बताता हूं। लिखिए आप, रेजोनेंस एनर्जी इज, यदि आप ये लिख चुके हो तो आगे लिखे, रेजोनेंस एनर्जी इज दैट एनर्जी विच स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी इज दैट एनर्जी विच स्ट्रक्चर डज नॉट, विच स्ट्रक्चर डज नॉट टेक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बेटा आप इसको और क्लियरली ब्रैकेट में लिख लें, एनर्जी विच डज, एनर्जी विच स्ट्रक्चर डज नॉट हैव, एनर्जी विच स्ट्रक्चर डज नॉट हैव बिकॉज रेजोनेंस इज प्रेजेंट, बिकॉज रेजोनेंस इज प्रेजेंट। आप इस बात को समझे बेटा, रेजोनेंस डिक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। तो रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी है जो स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होती है क्योंकि स्ट्रक्चर में रेजोनेंस। यदि मान लो स्ट्रक्चर में रेजोनेंस ना होता तो उसके अंदर इतने अमाउंट में एनर्जी उपस्थित होती या प्रेजेंट होती। रेजोनेंस क्या करता है, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, और स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कब होता है, जब स्ट्रक्चर की एनर्जी डिक्रीज होती। तो रेजोनेंस एनर्जी इज दैट एनर्जी विच स्ट्रक्चर डज नॉट हैव, वो स्ट्रक्चर के पास नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर में रेजोनेंस प्रेजेंट है। यदि रेजोनेंस ना होता तो वो एनर्जी होती और स्ट्रक्चर इसी एनर्जी के द्वारा स्टेबलाइज होगा। बिकॉज इतनी एनर्जी नहीं है तो स्ट्रक्चर उतनी ही एनर्जी से स्टेबल होगा। मतलब कहने का यह है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के पास उतनी ही कम एनर्जी होगी। तो इफ यू हैव रिटन दिस, रेजोनेंस एनर्जी इज दैट एनर्जी विच स्ट्रक्चर डज नॉट हैव बिकॉज इट हैज रेजोनेंस। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है रेजोनेंस की, जो कि चीज को ज्यादा क्लियरली समझाती है। मैं आपको और थोड़ी सी बात समझाता हूं। एक टॉपिक, एक चीज मैंने आपको बताई थी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन करके मैंने आपको बताया था। अगेन एक बात मैं आपको बताऊं, आपको जब भी मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बताया तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल करके बताया। वो क्वेश्चंस हैं जिनमें कि नंबर ऑफ बॉन्ड अनइक्वल है तो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वहां पे होता है, मतलब आपको उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप चिंता मत करो, मैं अभी शीट में आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। नाउ सीरियस, मैं आपको यदि याद दिलाऊं तो, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, मैंने कैटलिस्ट ले लिया, जैसे निकिल कैटलिस्ट ले लिया, हीट कर दिया एल्कीन को H2 के साथ और बना दिया एल्केन CH3CH3। आगे जाके एल्केन में हम पढ़ेंगे, इसको सेबिटर सेंडर रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप खुद सोचो बेटा, एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव व्हेन कंपेयर टू एल्केन्स। एल्केन्स में कोई लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लूज होती है, मतलब पाई बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होता है, तो कोई भी यदि इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उस पर आसानी से अटैक कर सकता है। जबकि सिग्मा बॉन्ड काफी रिलेटिवली मजबूत बॉन्ड होता है तो उस पर अटैक करना उतना आसान नहीं होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऊपर पहुंच जाएगी। यदि आप केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा याद हो आपको, खैर अभी तो नहीं होगा क्योंकि 12th में भी आएगा चैप्टर आपको, वहां पे आप एक्टिवेशन एनर्जी का एक कंसेप्ट पढ़ोगे। तो आते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान है, जबकि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ही नहीं क्योंकि इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, ना ये ज्यादा स्टेबल है।
ये ज्यादा स्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी क्या है, कम है मतलब इसने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी है, तो मैं लिख दूंगा प्लस डेल्टा एच। मान लो इधर ये जो रिलीज्ड एनर्जी है मतलब जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद मैं इस चीज पर वापस पलट के आता हूं। देखो ये हो गया और ये हो गया, यहां पे मान लो डेल्टा एच की मैं यूं ही अपने मन से वैल्यू दे देता हूं 30 किलो कैलोरी पर मोल। कोई भी बच्चा जो मुझे ये बताना चाहे कि इस केस में रेजोनेंस है या नहीं है, जो सेकंड चीज मैंने लिखी है, क्या यहां पर रेजोनेंस है या नहीं है, जल्दी बताए बेटा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज यस इफ यू सी हियर दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सो ऑब्वियसली रेजोनेंस को ब्लॉक कर देगा। अब यदि मैं यहां पे 2 मोल H2 ले लूं तो यहां पे स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 2 3 4 5 एल्केन बन गया। आपको क्या लगता है कि डेल्टा एच कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 60 किलो कैलोरी होना चाहिए, क्योंकि यदि एक को रिड्यूस करने में 30 किलो कैलोरी रिलीज हुआ था तो दो को रिड्यूस करने में 60 किलो कैलोरी रिलीज होगा। हालांकि अगेन मैं आपको ये बता दूं, 60 किलो कैलोरी से थोड़ा सा कम ही होगा, 60 किलो कैलोरी तक तो नहीं आएगा। कारण इसका यह है कि भले रेजोनेंस ना हो पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन कुछ तो स्टेबिलिटी देंगे, जो भी स्टेबिलिटी देंगे उस अमाउंट में एनर्जी कम हो जाएगी। बट चूंकि मैं अभी नहीं सोचना चाहता हूं थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, इसलिए मैंने हाइपोथेटिकली मान लिया कि ये नियर अबाउट 60 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर होगी, बट ये रियल सेंस में 60 किलो कैलोरी से थोड़ी सी कम होगी। पर मेरे लिए समझाना ज्यादा आसान हो जाता है ये 60 किलो कैलोरी एनर्जी लेकर के। अब मान लो बेटा मैं यहां पर एक तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसा अभी आपने बोला था कि इसमें रेजोनेंस नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है आप एक मिनट में ये बात बता सकते हो इसमें रेजोनेंस है या नहीं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस है, बिकॉज p ऑर्बिटल अल्टरनेट सिग्मा और अल्टरनेट पाई और सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, तो निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ क्या कर दे, एस टू कर दे, और यहाँ किया डेल्टा और यहाँ किया निकिल, सेम बिल्कुल 1 2 3 4। यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ पे एक और कार्बन बना देता हूँ, तो ये हो गया 5। अब यहां पे जो मैं डेल्टा एच की वैल्यू देखूंगा वो डेल्टा एच की वैल्यू आनी चाहिए थी अगेन 60 किलो कैलोरी पर मोल, बट हुआ क्या कि वैल्यू 60 किलो कैलोरी पर मोल ना आके आई 40 किलो कैलोरी पर मोल। ये सारे फिगर्स मैं हाइपोथेटिकल आपको दे रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ होगा? होशियार बच्चे, यदि आप इन दोनों की एनर्जीज देखो तो ये दोनों स्ट्रक्चर डिटो सेम है, तो इनकी एनर्जीज बिल्कुल समान होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। तो मान लो इसकी एनर्जी 100 किलो कैलोरी है, अगेन आई एम सेइंग मान लो, और इसकी एनर्जी मान लो 100 किलो कैलोरी है पर मोल, ये भी पर मोल, तो इसकी एनर्जी कितनी रही होगी? 60 है, तो ये होगी 160 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी एनर्जी कितनी रही होगी? इसकी एनर्जी रही होगी 140 किलो कैलोरी पर मोल। अब आप सोचो कि क्यों इसकी एनर्जी कम थी? इसकी एनर्जी कम इसलिए थी क्योंकि दिस वाज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था इसलिए स्ट्रक्चर की एनर्जी कम थी, तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी इससे तो कम ही है, क्योंकि एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें डेल्टा एच का मान क्या आएगा, कम आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन is inversely proportional to resonance energy, but obviously beta ek baat aap samjhe, when number of multiple bonds are equal in two structures to be compared When number of multiple bonds are equal in two structures to be compared. मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं इस बात को। यदि कोई बच्चा मेरे को क्वेश्चन नंबर बता दे तो बहुत अच्छा रहे, जो आपने अभी डाउट पूछा था मेरे से।
45। नो बेटा ये कंसेप्ट यदि आपके दिमाग पर क्लियर है, मैं पहले 44 ठीक है, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन।